हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जनरल क्लासेस। मैं पावनी मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, और आज की क्लास है हमारे उत्तर प्रदेश का ही परिचय जो चल रहा था, और उसके अब देखते हैं जो चिन्ह हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पशु हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु और राजकीय चिन्ह क्या है, इस मामले में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, देखते हैं राजकीय चिन्ह क्या है हमारे प्रदेश का। तो ये है, एक सर्कल है, पूरा सर्कल, और इसमें हमारा तीर धनुष बना हुआ है, और ये दो मछलियां हैं, ये दो ऐसा निशान। अब देखते हैं कि ये क्या से क्या प्रतीक करता है। तो ये है जो तीर धनुष है, ये है राम राज का प्रतीक है, ओके। और ये जो दो मछलियां हैं, ये है नवाब शासन का प्रतीक। और ये जो आपको दो लाइन दिख रही है, ये है गंगा और यमुना नदी, ठीक है। तो ये था हमारा राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। और ये स्वीकार कब किया गया है, तो ये स्वीकार किया गया है 1938 को, ठीक है गाइस। राजकीय चिन्ह 1938 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु है सिंघा, जिसको हम स्वैंप डियर बोलते हैं, ओके गाइस। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश टेसु, और इसी को ही जंगल की आग भी कहा जाता है। पुष्पा मूवी सब लोगों ने देखी है, पुष्पा का मतलब फूल से रिलेटेड नहीं है, उसका मतलब है जंगल की आग से। और ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब ये पूरा मूवी बना था पुष्पा, तो इस वर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, ये लोग लेने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है गाइस। तो पुष्पा का मतलब सिर्फ फूल नहीं, जंगल की आग होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कब आया है, स्वीकार हुआ तो 4 जनवरी 1211 को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष है हमारा अशोक। राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय फल है आम। राजकीय पक्षी है सारस, क्रेन बोलते हैं ना जिसको वो। राजकीय मिठाई है जलेबी। जलेबी मेरी नानी को बहुत पसंद है, और वो उसको ठंडा करके खाती है। राजकीय मछली क्या है, ये है चीतल। और राजकीय भाषा, जो हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में दो भाषाएं हैं जो कि राजकीय हैं, पहली भाषा है हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में 1947 में स्वीकृत हुई थी, और सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें कब इसको अनिवार्य किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1968 से, ठीक है, लागू कर दी गई थी। और जो हमारी सेकेंड जो राजकीय भाषा है वो है उर्दू, जो कि 1989 से लागू हुई है। तो ये गाइस थी आज की हमारी क्लास, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आगे की इसी से रिलेटेड क्लास होगी हमारी, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ख़त्म करके नेक्स्ट राज्य को पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू।